यूपी के रामपुर में राशन डीलर से 50,000 की रिश्वत मांगने वाले फर्जी अधिकारियों को गिरफ्तार किया। वहीं इसी दौरान फर्जी आईडी रिवाल्वर और दो लग्जरी गाड़ी भी बरामद हुई है। हाँ, क्या राशन डीलर आरोप, क्या मामला था? ये लखनऊ से आए थे, बोले हम लखनऊ से आए हुए हैं, तुम्हारे खिलाफ ऊपर से जाँच करने को मैं कर लो सर, पूरे गाँव में घूम लो, हम लोग अल्लाह सही रहते किसी से भूल तो कई एक दिन का दलाल आया था, वो बोला भाई शहर से बुला के बोले भाई निपटारो नहीं तो तुम जेल जाओगे 5 साल के लिए। हमने कही सर कितने रुपये, बोले 50,000 रुपये। फिर तुमने इसकी सूचना की दी? हमने सूचना 100 नंबर को दी पहले, कोतवाल साहब जो भी आ गए, अभी इन पर मुकदमा लिखा जा रहा है।